विधायक निधि से स्वीकृत विद्युत ट्रांसफार्मर को ग्राम नरवालिया के ग्रोटो फलिया में लगाने के बजाय तालाब फलिया में लगाने के मामले को उजागर करने वाले पत्रकार अल्बर्ट मंडोरिया को जान से मारने का षड्यंत्र रचने वाले राजू मंडोरिया कमर्शियल जिला अधिकारी आयकर विभाग छिंदवाड़ा और पप्पू के विरुद्ध जिला प्रशासन कब कार्यवाही करेगा। मामला झाबुआ मुख्यालय से लगभग 7 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत नरवालिया के विधायक निधि से स्वीकृत विद्युत ट्रांसफार्मर को ग्राम नरवालिया के ग्रोटो फलिया हेतु स्वीकृत किया गया था, परंतु दीवान डामोर ग्राम पंचायत नरवालिया के सचिव द्वारा झूठी कार्य प्रगति रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेषित कर बलछल से ग्रामीणों को गुमराह कर ग्राम नरवालिया के ग्रोटो फलिया में लगाने के बजाय जबरन तालाब फलिया में विद्युत ट्रांसफार्मर को लगाया जाकर अशिक्षित ग्रामीण किसानों को विद्युत ट्रांसफार्मर के लाभ से वंचित कर सरेआम धोखा किया गया। इन दिनों रबी की फसल हेतु किसानों को बिजली की सख्त आवश्यकता है। विद्युत मंडल विभाग जिला झाबुआ के जिम्मेदार वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारी के द्वारा बार बार झूठा आश्वासन दिया जाता है कि बहुत जल्द आपके ग्रोटो फलिया में विद्युत ट्रांसफार्मर लगा दिया जाएगा। उक्त परिस्थितियों में जिला प्रशासन को तत्काल ग्रोटो फलिया में विद्युत ट्रांसफार्मर लगाने हेतु निर्देशित किया जाना चाहिए। उक्त विद्युत ट्रांसफार्मर के मामले को उजागर करने के संबंध में अल्बर्ट मंडोरिया जिला ब्यूरो प्रमुख SW24 न्यूज चैनल के पत्रकार को आरोपीगण राजू पिता अंद्रू मंडोरिया जिला कमर्शियल अधिकारी आयकर विभाग छिंदवाड़ा एवं पप्पू पिता ग्रेगोर वर्खिया द्वारा अशिक्षित ग्रामीणों में दो गुट बनाकर आपस में फूट डालकर झगड़ा करवा कर जानबूझकर अल्बर्ट मंडोरिया पत्रकार की छवि को धूमिल कर जान से मारने का षड्यंत्र रचा गया। उक्त संबंध में पुलिस अधीक्षक को लिखित में शिकायत वॉइस कॉल रिकॉर्डिंग की CD देने के बाद भी आज दिनांक तक आरोपियों के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई है, जबकि आरोपीगण राजू पिता अंद्रू मंडोरिया एवं पप्पू पिता ग्रेगोर वड़खिया के द्वारा दिनेश रावत थाना प्रभारी कल्याणपुरा के समक्ष अल्बर्ट मंडोरिया को जान से मारने के षड्यंत्र रचने के संबंध में गलती कबूल करते हुए माफी मांगी गई। थाना प्रभारी कल्याणपुरा द्वारा न्यूज ब्यूरो को बाइट देने से इनकार करते हुए कहा गया कि अभी मुझे उक्त शिकायत के संबंध में कुछ ज्ञात नहीं है। शिकायतकर्ताओं के नाम याद है। जिला अभियोजन अधिकारी से फाइल वापस आ जाने के बाद अवलोकन करने के पश्चात आपको वाइट दे पाऊंगा। झाबुआ से अल्बर्ट मंडोरिया की रिपोर्ट। ये तो हम खुद भी लिख चुके ना कि तालाब फलिया में लगाई है, विधायक साहब को भी लिख दिया है और यहाँ जो इनका डिपार्टमेंट होता है जहाँ से इसको कंडवंड या बुकिंग करते हैं। अच्छा। विधायक के बताए गए स्थान पे लगाया तो विधायक ने तो ग्रोटो फलिया बताया था, तो ग्रोटो फलिया में लगाई नहीं, पर वो सर्वे कराने जाते हैं तो उनका कोई अनुयायी नहीं। सर ऐसा बताता है सिर्फ इतना है कि विधायक जी ओपनिंग के लिए आए थे और DTR आगे से लग चुका था, तो पप्पू वड़खिया ने विधायक को गुमराह करके सिर्फ ओपनिंग के टाइम पे बुलाया, तो विधायक को ये भी नहीं बताया गया कि मतलब ग्रोटो फलिया में लगा रहे या तालाब फलिया में। वो उनकी जानकारी में था हमारे पास। नहीं सर बिल्कुल नहीं, पहले उनका फोन भी आया था, बोले नहीं मेरे को उसको आज के आज चार्ज करना है जहाँ ट्रांसफार्मर लगा है वो। जब ग्राम पंचायत नरवालिया में गलत लगा उस संबंध में आज तक आपने क्या कार्रवाई की? हमने जनपद CO को पत्र जारी किया है, उसमें ये उनसे कहा गया है, निर्देशित किया है उनको कि आपने जो गलत कार्रवाई की है उसके लिए आप उनसे जांच प्रतिवेदन लेके और उस काम को सही स्थान पे लगाएं। ये हमने उनको निर्देशित कर दिया है कि जैसे ग्रोटो फलिये की हमारी AS हुई थी और ताला फलिये में वो कार्य हुआ है तो उसको सही स्थान पर उनको लगाने के लिए निर्देशित कर दिया है और इसका हमने प्रतिवेदन चाहा है उनसे, और इस संबंध में हमने एक और रिमाइंडर उनको जारी कर दिया है। अन्यथा हम जो है हमारी शासन की जो राशि उनके पास फर्स्ट किस्त गई है उसको हम वापस लेने के लिए हम थर्ड जो पत्र देंगे उसमें हम वापस लेने के लिए उनको कहेंगे और शासन की हेड में जमा करने को कहेंगे। मैडम इसमें जाँच तो हो गई है, तो जांच में आपने क्या पाया? जांच में यही पाया है, उन्होंने जनपद की तरफ से जो पत्र आया है उसमें लिखा है कि जांच जो है वो शिकायत के अनुसार सही पाई गई है, मतलब गलत फलिये में वो DP लगी है। मैडम इसमें विलंबता क्यों हो रही है जिसके कारण ग्रामीण जन भी परेशान है और पत्रकार को भी जान से मारने का षड्यंत्र रचा गया, धमकी भी दी गई, तो किसकी लापरवाही मानेंगे आप? अब देखिए जिसे मैंने एक रिमाइंडर दे दिया उनको, अब मैं सेकेंड रिमाइंडर उनको दूंगी। शासन की जैसे कार्रवाई होती तो वो एक दो दिन में तो होती ही नहीं है, मेरे को भी पूरी प्रोसेस करना पड़ेगी कि मुझे 3 रिमाइंडर उनको देना पड़ेंगे, उसके बाद ही मैं अगली कार्रवाई कर सकती हूँ। फिर भी एक अनुमानित कितना समय लग सकेगा कार्रवाई होने में? 15 दिन और लग सकते हैं। 15 दिन। आपका शुभ नाम और पद क्या है?
मैं डॉक्टर तारिणी जोहरी गांव जिला योजना अधिकारी छापू। मैं श्रीमती अर्चना अल्बर्ट मंडोरिया ग्राम पंचायत नरवालिया पुलिस थाना चौकी अंतरवेलिया हमारे द्वारा 19/9/2022 को कई बार अल्बर्ट मंडोरिया को जान से मारने की धमकी देने की बात पर आवेदन दिया गया था, किंतु आज तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जबकि टीआई साहब का कहना है, टीआई साहब द्वारा बार बार कहा जाता है कि क्या पता हम रिपोर्ट दर्ज करते उसके बाद भी अल्बर्ट मंडोरिया की जान को खतरा है, सामने वाला कभी भी उस पर जानलेवा हमला कर सकता है। इस तरह टीआई साहब द्वारा हमें बार बार कहा जाता है। हमारी पुलिस विभाग से यही मांग है कि राजू मंडोरिया पप्पू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।